नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और हम शुरू कर चुके हैं पांच की आंच। आज सबसे पहले बात राज्यसभा में हुए हंगामे की करेंगे। कार्यवाही के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ और सांसद जया बच्चन के बीच नोकझोंक देखने को मिली। इधर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेसियों को आस्तीन के सांपों से सचेत रहने की सलाह दी है। कौन है कांग्रेस में आस्तीन के सांप, बताएंगे आपको। साथ ही बुलेटिन में बात होगी संघ की, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एमपी में आदिवासी दिवस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, बीजेपी पर आदिवासियों के अपमान का आरोप लगाया। मोहन सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को दे दी है बड़ी खुशखबरी, सरकार के फैसले से प्रदेश के 3.25 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। तो संसद में राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जताई। धनखड़ ने एसपी की सांसद जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था और इस पर जया ने कहा कि मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशंस भी समझती हूं, मुझे माफ कीजिए लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं है। जया की इस बात से धनखड़ नाराज हो गए। सभापति ने कहा आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप जानती हैं कि एक एक्टर को डायरेक्टर कंट्रोल करता है, मैं हर दिन अपनी बात दोहराना नहीं चाहता। वो यहां तक चले गए, उन्होंने कहा कि हर दिन मैं स्कूली शिक्षा नहीं देना चाहता। सभापति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं, इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, आपको डेकोरम बनाकर रखना होगा। आप सीनियर मेंबर चेयर को नीचा दिखा रही हैं। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई वेंट टू स्कूल। जया जी, टेक योर सीट। जया जी, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट। जया, वन सेकेंड। ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल में नो, बैठिए बैठिए बैठिए, ऑनरेबल मेंबर्स बैठिए 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 बैठिए, आई नो हाउ टू डील विद इट, बैठिए। जया जी, यू अर्न्ड अ ग्रेट रेपुटेशन, you have earned a great reputation, you know an actor is subject to the director, you have not seen what I see from here every day, I don't want to repeat, I don't want schooling, I am a person who has gone out of the way and you say my tone. No, 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 she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No. तो जया बच्चन सदन में खुद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किए जाने को लेकर नाराज है। 22 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में इस मुद्दे पर जया और सभापति के बीच इससे पहले भी 2 बार विवाद हो चुका है। जया बच्चन का कहना यह है कि महिलाओं की अपनी एक पहचान होती है, उन्हें पति के नाम के साथ संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। आपकी बड़ी विशिष्ट उपलब्धि है। ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट, चलिए ये बात हो गई सदन की और अब बात करेंगे दिग्विजय सिंह की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। दिग्विजय ने कहा कि नाग पंचमी पर पूजा करना लेकिन आस्तीन के सांपों से
सचेत रहना है। अभी आस्तीन का सांप कौन है, कांग्रेस में है या फिर कांग्रेस छोड़ चुके लोगों को लेकर दिग्विजय सिंह का ये तंज है। दिग्विजय के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दिग्विजय का दर्द क्या है इशारा? आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। कौन है कांग्रेस में आस्तीन का सांप? नाग की पूजा, आस्तीन के सांपों से सचेत। तो सब लोग नाग की पूजा करो, लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। ये क्या कह गए दिग्विजय सिंह? यानी कांग्रेस में हार की वजह की किरदार अभी भी पार्टी में है। दिग्विजय सिंह का इशारा किस तरफ है? क्योंकि जो बयान आया है वो ग्वालियर दौरे के दौरान आया है। ग्वालियर जहां की राजनीति का केंद्र महल होता है, महल मतलब सिंधिया परिवार। क्या दिग्विजय सिंह इशारों इशारों में सिंधिया पर निशाना साध गए या फिर अपने भाई लक्ष्मण सिंह की तरफ? क्योंकि बीते कुछ दिनों से उनके बयान पार्टी के खिलाफ आ रहे हैं या फिर दिग्विजय सिंह कांग्रेस के ही नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रही है। आदिवासी दिवस है और नागपंचमी भी है आज, तो सब लोग नाग की पूजा करो, लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासत गर्मा गई है, बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पता नहीं दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस पूरी खाली हो गई, अभी भी उनको कितने आस्तीन के साथ बची कांग्रेस में और दिख रहे हैं। अब तो 11 से 6 की कांग्रेस हो गई, अब 6 बजे के बाद तो इनको बीन लेके आस्तीन के सांपों को ढूंढने निकल जाना चाहिए। अब क्या पता किसको कहना चाहते हैं। आज ही लक्ष्मण सिंह जी ने निशाना साधा है कांग्रेस के ऊपर कि भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी है या युवा शिक्षित है, बांग्लादेश जैसी हालत नहीं है। आज ही उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया। लक्ष्मण सिंह समय समय पर आईना दिखाते रहते हैं। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपनी सोचे, कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारी बहुत पैनी नजर उन लोगों पर है जो यहाँ बैठकर अनुशासनहीनता करते हैं और पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं। एक मुहावरा है, एक तंज है ऐसे लोगों के लिए कि फायदा और नुकसान का लेखा जोखा लगा के आज जहाँ फायदा दिखाई दे रहा है वहाँ चले गए। दिग्विजय के बयान पर सियासत गर्मा गई है। आखिर आस्तीन का सांप वाला इशारा दिग्विजय सिंह ने किस तरफ किया है? भोपाल से शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18। और अब बात संघ की करेंगे। भोपाल स्थित संघ कार्यालय से सुरक्षा हटा दी गई है। बताया जा रहा है कि राजधानी भोपाल के E2 में संघ का संविधा भवन है, जहां क्षेत्रीय पदाधिकारी समेत प्रदेश के पदाधिकारी रुकते हैं। 15 साल से इस भवन को MPSAF की तरफ से सुरक्षा मिली हुई थी। दफ्तर के सामने स्थायी चौकी भी बनाई गई थी सुरक्षा के लिहाज से ही। बताया ये जा रहा है कि समीक्षा के आधार पर दफ्तर से अब सुरक्षा को हटा दिया गया है। सुरक्षा हटाने को लेकर संघ से भी चर्चा हुई, सहमति मिलने के बाद सुरक्षा हटाए जाने की बात सामने आई है। तो आरएसएस के प्रांतीय कार्यालय संविधा भवन से सुरक्षा हटाए जाने के मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि अब बीजेपी और संघ के बीच में रिश्ते तल्ख हैं। और इसी बात को लेकर यह सुरक्षा हटाई गई है। बीजेपी ने कहा कि सुरक्षा की लगातार समीक्षा की जाती है, पिछले दिनों थ्रेट आया तो सुरक्षा बढ़ा दी गई। बता दें कि संघ के दफ्तर और संघ की पदाधिकारी को लगातार धमकी मिलने पर ही संविधा भवन पर सुरक्षा को बढ़ाया गया था, सुरक्षा दी गई थी। बाकायदा सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी हथियारों के साथ तैनात किए गए थे, दूर से नजर रखने के लिए एक वॉच टावर तक बनाया गया था। भोपाल में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय दफ्तर से अब सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई। इस वक्त मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, ये संविधा है। यहाँ पर जो प्रदेश के पदाधिकारी हों या राष्ट्रीय पदाधिकारी हों, जब भी वह प्रवास पर आते हैं तो यहाँ पर रहते हैं और 15 साल से लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहती थी। 5 SF के गार्ड जो है वो यहाँ पर तैनात रहते थे और अब ये सुरक्षा व्यवस्था हटा दी। ये वो जगह है जहाँ पर अस्थायी एक चौकी बनाई गई थी, टेंट लगाया गया था, जिसमें 24 घंटे जो है वो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहते थे। अब ये जो सुरक्षा व्यवस्था
व्यवस्था हटा ली गई। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि रिव्यू किया गया था और उसके आधार पर इस सुरक्षा व्यवस्था को हटाया गया है। माना यह भी जा रहा है कि संघ के पदाधिकारियों से भी बात हुई थी, उसके बाद उन लोगों के द्वारा इस बात की सहमति दी गई थी कि सुरक्षा व्यवस्था संविधान से हटा ली जाए, उसके बाद इस सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई है। लेकिन सवाल यही हो रहा है कि 15 साल से लगातार जब यहां पर सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जा रही थी तो आखिर ऐसी कौन सा रिव्यू हुआ जिसके चलते इस सुरक्षा व्यवस्था को हटाना पड़ा है। कैमरा अजय तबर के साथ सैलेंस न्यूज 18 भोपाल। कि भारतीय जनता पार्टी किस नीति और नियत से काम करती, जब कांग्रेस की सरकार 15 महीने की थी, जब समीक्षा करके कुछ सुरक्षा हटाई थी तो बवाल मचाने का काम कर दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी खुद इनके ऊपर से सुरक्षा हटाने का काम कर रही है, तो क्या माना जाए कि लगातार जो इनके बीच पे तल्ख होते रिश्ते जा रहे हैं, क्योंकि जो लूट के माल की किस तरीके से बंदर बाट में जो दिक्कतें आ रही है, उस माल को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने के लिए जो अलग अलग कैसे इस लड़ाई को सतह पे आ गई और जो कहीं ना कहीं बिकाऊ लाल गए हैं, जो अलग अलग तरीके के लोग लूटने में लगे हुए, तो लूट के माल की जो बंदर बाट है, मुझे लगता है उसका नतीजा दिख रहा है कि मुझे लगता है समीक्षा करते हैं लगातार कि कहां कैसा, जैसे थ्रेट आई थी तो एकदम सुरक्षा बढ़ा दी गई, कांग्रेस समय में उसको हटाया था, वापस वो फिर से व्यवस्था कायम हुई। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी आज समाचार पत्रों में पढ़ा कि वहां से जो व्यवस्था चौकी हटाई है और उसकी वो समीक्षा करने के बाद अपना तय करेंगे कि आवश्यकता होगी तो रखेंगे। वहीं एमपी में आदिवासी दिवस पर छुट्टी घोषित नहीं किए जाने पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासियों का अपमान कर रही है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ छल किया है। वाजपेयी की सरकार में आदिवासी मंत्रालय बनाया गया, आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तारीखों में उलझाकर कांग्रेस राजनीति करती है। मध्य प्रदेश में आदिवासी दिवस को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासी दिवस पर प्रदेश में छुट्टी घोषित नहीं किए जाने पर हमला बोला है। उमंग सिंघार ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांपों की तरह प्रदेश की बीजेपी सरकार है जो आदिवासियों को डस रही है। जब आप हर समाज को छुट्टी दे सकते हो, चाहे राखी हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे दिवाली हो, तो आप एक जब विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा तो मध्य प्रदेश सरकार को क्या परेशानी। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक जहरीले सांप की तरह हुई आदिवासियों को डसने के लिए। उधर कांग्रेस नेता विक्रांत गुरिया ने कहा कि बीजेपी आखिर क्यों आदिवासियों से इतनी नफरत करती है, सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बीजेपी हमेशा से हमें वनवासी कहती आई है, पर हम वनवासी नहीं है, हम इस देश के मूल निवासी आदिवासी हैं और आज उनको छुट्टी देना चाहिए। पहले इन लोगों ने आदिवासी आरक्षण में उपवर्गीकरण कर आदिवासियों को बांटने की ये चाल चल रहे हैं और आज आदिवासियों को अस्तित्व को स्वीकार करने से ये मना कर रहे हैं। बीजेपी और सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर इसी तरह से आदिवासियों का ये अपमान करते रहेंगे तो सरकार को बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जबरन तारीखों में उलझाने का काम कर रही है। सरकार रही है, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आदिवासियों के नाम पर बात करते हो, ये तो बताओ कि आपने आजादी के 50-60 साल तक अपनी सरकार चलाई, कभी जनजाति मंत्रालय नहीं बना, ये जनजाति मंत्रालय भी बनाने का काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ। चाहे इंदौर के महत्वपूर्ण स्थान पर वहां पर टंटिया मामा की मूर्ति लगाने का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कांग्रेस ये ने बताया। कांग्रेस और अब बात खुशखबरी की, एमपी के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब प्रदेश के 3,25,000 कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और वीकली ऑफ मिलने जा रहा है। श्रम विभाग ने इसके लिए सभी विभागों, संभाग आयुक्तों, कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं और इन निर्देश की माने तो प्रदेश के सभी सरकारी विभाग, उपक्रम, निगम, मंडल, बिजली कंपनियां, यहां के तकरीबन जो कर्मचारी हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
साथ ही जो श्रमिक है आउटसोर्स कर्मचारियों को बीमा, ग्रेच्युटी, बोनस, ओवरटाइम, पीएफ और वीकली ऑफ जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर कंपनी निर्देश ना माने तो कर्मचारी कोर्ट जा सकेंगे। और अब बात विदिशा की, जहां बीजा मंडल को लेकर विवाद छिड़ गया है। हिंदू संगठनों ने बीजा मंडल को प्राचीन विजय सूर्य मंदिर बताते हुए एएसआई को नागपंचमी पर ताला खोलने के लिए आवेदन दिया था। अब इस मामले में एएसआई ने लेटर जारी करते हुए लिखा कि ये मंदिर नहीं, बीजा मंडल मस्जिद है। इसे लेकर हिंदू संगठनों में गुस्सा है। मस्जिद या मंदिर, फिर तकरार। इस मंदिर के ताले खोलने की मांग कर रहे हैं, वो मंदिर नहीं मस्जिद है। अब बीजा मंडल पर गहराया विवाद। तीन सौ पैंतीस वर्षों से जंजीरों में कैद है मंदिर। आंदोलन की आहट, फिर होगी फाइट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विदिशा के बीजा मंडल स्थित सूर्य मंदिर पर। यहाँ का एक मामला लगातार तेजी से तूल पकड़ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर एक कलेक्टर ने पत्र जारी कर बीजा मंडल को यहाँ पर मस्जिद कहा है, जिसको लेकर यहाँ पर मामला तूल पकड़ रहा है और जिस तरीके से लोग जो सोशल मीडिया पर है वो विरोध भी यहाँ पर कर रहे हैं। क्या है जी, परमार के वंश से भी पहले का ये मंदिर है, विजया देवी का ये मंदिर है। कलेक्टर ने इसको मस्जिद बोला है, वो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत इसको मस्जिद बोल रहा है। मेरा मानना यह है कि आपने आज तक किसी मस्जिद में कोई भी मूर्ति नहीं देखी होगी, तो जब मूर्ति नहीं होगी कहीं पे भी तो उसको आप मस्जिद बना सकते हो, लेकिन मूर्ति है उसको आप मस्जिद कैसे बोल रहे हो? जी हाँ, मसला एक बार फिर मंदिर और मस्जिद का आ गया है। दरअसल कलेक्टर की ओर से पत्र जारी किया गया है, जिसमें एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हवाले से बताया गया है कि यहाँ मस्जिद है। स्थानीय लोग इस प्राचीन सूर्य मंदिर को विजया मंदिर या बीजा मंडल के नाम से जानते हैं। कलेक्टर महोदय आके आर्कियोलॉजिकल सर्वे को, इसको सर्वेक्षण को पुनः नहीं करवा सकते? उसको दिखवा सकते थे, लेकिन अब हिंदुओं की सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर हम इसको नहीं खुलवा पा रहे तो ये विडंबना है। और खुलवाने का एक रीजन ये था कि केवल हम ये चाह रहे हैं कि नागपंचमी के दिन जो ताले की पूजा होती है उससे कहीं ना कहीं हिंदू आहत होता है। कहा जाता है कि 10वीं सदी में चालुक्य राजवंश ने प्रतिहारों पर विजय के प्रतीक के रूप में इसका निर्माण कराया था। ये स्थान चालुक्यों की कुल देवी को समर्पित है। इतिहासकार की माने तो 1632 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोप से उड़ा दिया था और फिर इसे मस्जिद का आकार दिया गया। अब सरकार इसे पिकनिक स्पॉट के तौर पर विकसित करने की योजना बना रही है। हालांकि लोगों का कहना है कि इसे मंदिर ही रहने दिया जाए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।